नमस्कार माई नेम इज़ मोनिका पंजाबी वर्मा आई एम अ प्राउड कोडा सो कोडा इज़ चिल्ड्रन ऑफ डेफ एडल्ट्स माइंड इट हियरिंग चिल्ड्रन ऑफ डेफ एडल्ट्स बिकॉज अगर डेफ पेरेंट्स के डेफ एडल्ट्स के डेफ बच्चे हैं तो उनकी फर्स्ट आइडेंटिटी डेफनेस है डेफ है सो दे आर नॉट कॉल्ड कोडाज ओनली हियरिंग चिल्ड्रन

सो शी इज़ अ पोस्ट लिंग्वल डेफ दैट मीन्स शी हैज़ सम लर्नड स्पीच जो उन्होंने उनके बचपन में सीखी थी वो स्पीच थोड़ी टूटी फूटी फ्रेगमेंटेड स्पीच उनके पास में है बट शी कै नॉट हियर तो दिस इज अबाउट मी अबाउट कोडा नाओ माई अब्रिंगिंग जैसे आपने मुझसे पूछा सो आई डोंट रियली रिमेंबर की वॉट वॉट और हाउ इट वॉज डिफरेंट बट आई वुड जस्ट लाइक टू सम सेंग कि हम जिस भी घर में पैदा होते हैं या हम जिस भी वातावरण में पैदा होते हैं दैट इज़ ऑल नेचुरल टू अस वो उसमें कुछ भी कठिन या कुछ अलग क्योंकि हम कंपेयर ही नहीं कर सकते उस समय बट जब हम दूसरी दुनिया में दूसरे लोगों को देखते हैं दूसरे परिवारों में लोगों को देखते हैं कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है उनके पेरेंट्स उनसे कैसे बात करते हैं हमारे पेरेंट्स हमसे कैसे बात करते हैं तब हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं समझने लगते हैं उसकी तुलना करते हैं पर मेरे लिए तो ये नेचुरल था क्योंकि मैं साइन लैंग्वेज को अपनी मातृभाषा मानती हूँ बिकॉज माई बोथ द पेरेंट्स टॉक टू मी इन साइन लैंग्वेज माई फादर यूज़ टू ओनली साइन टू मी He still, we talk to each other in sign language, Indian sign language, and my mom used to speak and sign with me. So that is a bit different. So whenever I want to say something to my mom in return, in reply, I will have to sign because she cannot hear. But उन्हें जो भी बोलना है या एक तरफा डांटना है कुछ भी करना है तो वो उधर मुकर के भी शील स्कोल्ड इट मी बोल बोल कर पर मैं अगर उन चाहूँगी कि अरे मेरा तो सुनो मेरा पक्ष तो सुनो मेरी बात तो सुनो तब शी वुड इफ शी वुड लाइक टू हियर टू मी लिसन टू मी देन शी लुक एट मी अदरवाइज तो आप टैप करते रह जाओ इसे उनका ध्यान आकर्षित करते रह जाओ ये एक फ़र्क है अगर आपके पेरेंट्स uh, या फादर मदर कोई डेफ है बॉन्ड डेफ है एंड इफ दे डू नॉट हैव स्पीच तो आई कॉन्टेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है पर जहाँ मैंने कंपेयर किया मेरी मम्मा को बिकॉज शी हैज स्पीच शी इल स्पीक टू अस

मेरी मम्मी को कुछ भी बोलना रहता था तो वो हमसे बोल के बात करती थी हम उनको बोल के जवाब देते थे बट पापा और हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप रहता था उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमारी मम्मी बीच में रहती थी क्योंकि आ, मैं जब छोटा था तो हम मुझे साइन लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं आती थी जिस कारण से क्या होता था, था कि पापा कुछ बोलना चाह रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो उस समय फिर हम मम्मी को बुलाते थे कि मम्मी देखो पापा क्या बोल रहे हैं क्या समझाना चाह रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं तो फिर मम्मी उसको इंटरप्रेट करके हमें बताती थी इंटरप्रेट इन देंस कि जो पापा को बचपन मतलब सालों से जानती हैं उनकी लैंग्वेज को जानती थी तो फिर मम्मी हमको समझाती थी फिर अगर मेरे को कुछ बोलना है अगर मेरे पास लिमिटेशन है कि मेरे को अच्छा साइनिंग नहीं आता है तो फिर ये होता था कि फिर मैं मम्मी को बोलता था एंड देन मम्मी पापा को समझाती थी तो ये डिफरेंस रहा है हमें मेनली तो सो नो एक्सपीरियंस होते रहते थे बट आई सीन इन मोस्ट ऑफ दस देर दिसन मेकरस मे बी दे आर कंपेल्ट टू डू देट या फिर वो उम्र से पहले मैच्योर हो जाते हैं जस्ट फॉर इंस्टेंट फॉर एग्जाम्पल अल से कि अगर डोरवेल बजा तो मैं अगर सेकेंड फ्लोर पर भी हूँ तो कि आई एम वेरी श्योर मुझे पता है कि मुझे ही उतर के गेट खोलना है रात को बारह बजे एक बजे सुबह सुबह छः बजे इट इज़ मी ओनली जो डोरवेल सुनेगा और उसको नीचे आकर ही काम करना है और पेरेंट्स अगर उधर हॉल में बैठे भी बैठे होंगे या ग्राउंड फ्लोर पर भी होंगे क्योंकि उस समय आ, फ्लैश लाइट्स नहीं हुआ करती थी हम अवेयर नहीं थे उस बारे में इतना ईजिली अवेलेबल नहीं था तो नॉर्मल साउंड वाली डोरवेल्स सुन के हम ही को Uh, मुझे या मेरे भाई कोई गेट खोलना है तो दिस इज़ वन थिंग हम कहीं होटल में जा रहे हैं कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनल uh, इंटरप्रेटर तो नहीं पर फिर भी वी एक्ट एज एन इंटरप्रेटर हम कम्युनिकेशन ब्रिज का ही काम करते थे अभी तक करते हैं तो शुरुआत में तो हम एथिक्स भी नहीं जानते थे कुछ सीखा नहीं था कुछ दूसरे इंटरप्रेटर्स देखे नहीं थे क्या करना है क्या नहीं करना है कितना छुपाना है कितना बताना है कुछ एथिक्स हैं कि पूरा का पूरा 100 परसेंट इंटरप्रटेशन होना चाहिए इसकी जानकारी कुछ भी नहीं थी जब तक हमने इस कोर्स को नहीं पढ़ा था तो होटल जाना है तो ऑफ़कोर्स पापा मम्मी मुझे ही बताएंगे कि ये ये ऑर्डर करो हमारे लिए और मुझे ही वेटर से बात करना है तो ये आदत सी थी सालों साल आदत सी थी फिर जब मेरी शादी हुई गौरव के साथ में तो हम होटल गए समझिए होटल खाना खाने गए तो मुझे वो इतना इनबिल्ट मुझ में था कि मुझे ही वेटर को बुला के मुझे ही वेटर से बात करना है कि गौरव आप क्या खाएंगे मैं क्या खाऊंगी और वो ऑर्डर प्लेस मुझे ही करना है ये आदत में था फिर गौरव ने कहा अरे मैं हूँ ना यहाँ पे आई प्लेस द ऑर्डर मैं हस्बैंड हूँ मुझे बात करने दो वेटर से तो तब समझ में आया कि अच्छा ये तो आदत में पड़ गया था एक्चुअली ये आदत में है अभी भी बात करते करते साइन करना थोड़ा सा झुकाव डेफ कम्युनिटी के ऊपर होना मतलब आज हम प्रोफेशनल इंटरप्रेटर्स हैं उसके बाद में भी हमारा हमारी ट्रेनिंग हमें ये सिखाती कि हमें बायस नहीं होना है हमें दोनों क्लाइंट्स के साथ में दोनों टीम्स के साथ में इक्वल रहना है पर फिर भी कहीं ना कहीं कोडास का ऑब्वियस वेन डिड यू लर्न अबाउट द इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स एंड वेन डिड यू कम्पलीट इट टू थाउजेंड टू में एस सुन एज आई डिड माई कॉलेज मेरा लेटर आया हमारे स्कूल में कि साइन लैंग्वेज का कोई कोर्स इंडियन साइन लैंग्वेज का कोर्स चालू हो रहा है अली आवरजंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ मुंबई में बैंड्रा में जो ये टाइटल ही हमारे लिए बहुत नया था इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स आर डेफ हु है फाउंडेड दिस बिग स्कूल एंड कॉलेज फॉर द डेफ चिल्ड्रन पर वो भी इस इंडियन साइन लैंग्वेज टर्म से परिचित नहीं थे तो मुझे उन्होंने बोला कि कुछ साइन लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है हम इशारों में तो बात करते ही आ रहे हैं बचपन से तो ग्रेजुएशन आपका अभी अभी कंप्लीट हुआ है गो एंड डू दिस कोर्स लेट्स सी वॉट इज वॉट इट इज़ मैं जब मुंबई गई तब मैंने देखा डेफ टीचर को सबसे पहले कि डेफ टीचर हमें पढ़ाएंगे कभी भी हमने देखा ही नहीं था हमारे खुद के स्कूल में उस समय डेफ टीचर नहीं हुआ करते थे सिर्फ ड्रॉइंग या कुछ ये पढ़ाने के लिए तो डेफ टीचर से हमें साइन लैंग्वेज का फुल फ्लजेड कोर्स करने को मिला उसमें एथिक्स के बारे में सीखा उसमें जाना कि साइन लैंग्वेज का भी व्याकरण होता है इंडियन साइन लैंग्वेज का एक अपना अलग जटिल ग्रामर है व्याकरण है जो अमेरिकन साइन लैंग्वेज या ब्रिटिश साइन लैंग्वेज या जैपनीज साइन लैंग्वेज इन कंट्रीज से अलग है इट इज़ नॉट कॉमन एनी यूनिवर्सल लैंग्वेज ऐसी नहीं है ईच कंट्री विल हैव इट्स ओन डिफरेंट साइन लैंग्वेज विथ इट्स ओन कॉम्प्लेक्स ग्रामर ये हमने वहाँ पे सीखा फिर इंटरप्रटिंग कैसे करना है पहले मैं आपको बताऊँ जब मैं इतने सालों से ऑलरेडी इंटरप्रटिंग इनफॉर्मली करती आ रही हूँ ऑल इंडिया डेफ़ आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल क्योंकि हम हमारे इंदौर डेफ बाइलिंग एकेडमी से हम लोग सब जगह पे जुड़े हुए हैं सारे मेजर एसोसिएशन से हम जुड़े हुए हैं तो हर जगह पे वो लोग देखते थे कि मोनिका आप बहुत एक्टिव हैं आप आइए स्टेज पे खड़े होइए इंटरप्रेटिंग करिए तो मुझे अगर पता चला कि मुझे इंटरप्रेटिंग करना है तो मुझे लगता था कि अरे बापरे मुझे तो एक्स्ट्रा तैयार होना चाहिए उसके लिए एक्स्ट्रा चूड़ियाँ एक्स्ट्रा ईयरिंग्स मेकअप क्यों बिकॉज आई विल बी गोइंग आई एम गोइंग टू इंटरप्रेट ऑन द स्टेज ये तब मुझे समझ में आया कि इंटरप्रेटर को तो बहुत प्लेन होना है क्योंकि आप आ, ऑडियंस का डेफ कम्युनिटी का ध्यान आपको आपके एसेसरीज पे नहीं लगाना है आपको आपके साइनिंग और मैसेज पे आ, उनका ध्यान आकर्षित करना है इस कारण से आपकी कौन सी स्किल्स ऊपर होना चाहिए और कैसा आपका पहनावा पोशाक होनी चाहिए कॉन्फिडेंशलिटी के बारे में हमने कभी नहीं सुना था इसके पहले आई वॉज़ वेरी टू टूवर्ड्स माई पेरेंट्स और मे बी आवर स्टूडेंट्स एट द स्कूल कि अगर किसी ने किसी को कुछ बुरा भला बोला है आई वुड लाइक टू ओमिट इट मैं उसको बताती ही नहीं थी मैं आगे वो फॉरवर्ड ही नहीं करती थी या इन्होंने अगर कुछ सामने वाले व्यक्ति को कुछ बोला है जो मुझे लगा कि हियरिंग कम्युनिटी इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा वो मैं वहाँ पे ओमिट कर देती थी, थी या कुछ ओवरलैप करके कुछ बोल देती थी एंड आई थॉट कि आई एम डूइंग अ गुड जॉब मुझे लगा कि मैं वो सही कर रही हूँ मैं रैपो बना रही हूँ मैं बॉन्ड बना रही हूँ लोगों का बट इंटरप्रेटिंग एथिक्स में हमने सीखा कि नहीं इंटरप्रेटर को एज इट इज़ पूरा का पूरा मैसेज को ट्रांसफर करना है और दैट्स बिटवीन देम आप उसमें कुछ नहीं कर सकते तो ये सब मैंने बाद में सीखा जो मैं आज तक फॉलो कर रही हूँ एंड पर रेडीमेड हमारे पास जब एथिक्स हाथ में नहीं थे इट इज़ गुड राधर में कर करके और गलतियाँ कर करके और हमारे टीचर्स की डांट सुन सुन के मेरे पेरेंट्स की डांट सुन सुन के आज हम इतने मजबूत हुए हैं तो दैट इज़ अ स्ट्रॉग लर्निंग विच इज़ विच विल बी देयर विथ मी लाइफ टाइम जंग में जब मैंने ये कोर्स किया था 2002 में लकीली आई बिकेम द फर्स्ट सर्टिफाइड साइन लैंग्वेज इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर फॉर इंडिया एंड 2004 में तुरंत यहाँ आने के बाद में I thought I should start this course here, Sign Language Interpreting and Sign Language Teacher Training, that is for deaf and interpreting course for the hearing people. RCI se hamne baat kari, par leke, hamne course kiya. Aur or pure India, mein we are providing successful deaf teachers, proficient interpreters, and we are so happy to see them grow and doing this service for the society. Why do you think it is important for deaf children to learn sign language early? नाव फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे हैं कैरव और जैनिका जैनिका बींग अ गर्ल वेरी टॉकेटिव एंड शी कैन डिफरेंशिएट वेरी क्लियरली एट द एज ऑफ थ्री नाव बट शी स्टार्टेड टू डिफ्रेंशिएट मचर्ली दो साल की उम्र में उसको समझ में आने लग गया था हुई इज डेफ एंड हु इज हिययरिंग शी साइंस टू द डेफ शी मेक्स हर आई कॉन्टैक्ट गुड आई कॉन्टैक्ट टू द डेफ पीपल एंड शी टॉक्स वर्बली टू द हियरिंग पीपल शी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ दैम और uh, she signs her poem she makes her questions agar wo kuch verbally usko koi shabd nahi mil raha hai apni koi baat rakhne ke liye she'll put up a sign to it and this is so wonderful to see and that is why in foreign countries in developed countries even the hearing general hearing children they learn sign language Infants को सिखाई जाती है बहुत छोटी उम्र में क्योंकि जैनिका के साथ हम हमने देखा है कि डेढ़ साल की उम्र में पौने दो साल की उम्र में she was able to express herself. थ्रू स्पीच और थ्रू साइंस शी वुड डू अ मिक्सचर ऑफ इट पर अपनी बात वो सामने रख पा रही थी एंड दिस इज़ सो पावरफुल एंड हम इसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि डेफ लोगों को हम साइन लैंग्वेज सही उम्र में क्यों नहीं दे रहे हैं वी आर कीपिंग देम डिप्राइव ऑफ लैंग्वेज देअर ओन लैंग्वेज विच इज़ विजुअल और विजुअल लैंग्वेज हम बच्चे को उस समय देते नहीं जिससे उनका क्रिटिकल पीरियड पूरा मिस आउट हो जाता है एंड देन वी थिंक ऑफ न्यू ऑप्शन और जिसमें देयर टाइम देयर एज देयर एजुकेशन देयर कॉपनेटिव डेवलपमेंट कॉन्फिडेंस एवरी थिंग इज लूड इज लॉस्ट So, we have to really take care of that early intervention in the right terms. Thank you so much. The experiences of children of deaf adults, CODA, teach us that language is more than words. It's the heartbeat of identity and connection. Let us honor the ethics of communication, respect the integrity of sign language, and embrace the diversity it brings to our shared human experience. Inclusion begins with understanding, and understanding begins with listening, whether through spoken words or the language of the hand.